हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज कोटा के अंदर। आप सभी को पता है 2024 की फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। संस्कृत विभाग की जो भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की वो आ चुकी है। उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कितने पद किसके हैं, कब इसकी परीक्षा दिनांक है, क्या इसका सिलेबस है और कब से इसके फॉरम स्टार्ट है, कब लास्ट है, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। आप सभी को पता है एक संस्कृत विभाग की और एक एजुकेशन विभाग की जो भर्ती आती है उसमें से फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत विभाग की भर्ती आपकी आ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पद संस्कृत के होते हैं, नहीं, डिपार्टमेंट होता है संस्कृत विभाग, ठीक है, उसके द्वारा फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती करवाई जाती है, भर्ती तो आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, पर भर्ती किसके संस्कृत विभाग की है और कौन सी भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड की आपकी भर्ती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 2024 की भर्ती आ चुकी है आपकी, ठीक है। एजुकेशन वाली भी जल्द ही आने वाली है, पर उससे पहले जो आपको देखने को मिली है संस्कृत विभाग की भर्ती आपको यहां पर देखने को मिली है। साथियों अब सुनिएगा बात को अच्छे से, देखो यहां पे आपको पता है आरपीएससी इसका एग्जाम करवाती है तो उन्हीं के द्वारा भर्ती निकाली जाती है। यहां पे देखिए दिनांक लिख रही है 25/1/2024, मतलब ये हुआ कि 25 जनवरी को, मतलब आज ही जब आप वीडियो देख रहे हो तभी ये भर्ती मतलब आज ही निकली है, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा। और यहां पे हम सीधे मुद्दों पे बात करते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पे ये भर्ती है और कौन-कौन सी दिनांक के काम की है हमारे यहां पे। देखो हिंदी के इसमें पद है 17 पद है, क्योंकि संस्कृत विभाग के आप सभी को पता है कम ही वैकेंसी आती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले में ज्यादा आती है, ठीक है। तो इसमें संस्कृत के ही सॉरी हिंदी के ही सबसे ज्यादा पद आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदी के 17 पद, अंग्रेजी वालों के 11 पद हैं, साहित्य के 4, सामान्य व्याकरण 10, व्याकरण के 7, यजुर्वेद 1 और राजनीति विज्ञान 1, इतिहास के 1, तो इस तरह की पोस्टें आपको दिखाई दे रही है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये इन सब्जेक्ट्स के लिए यहां पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकली है संस्कृत विभाग के अंदर, ठीक है। फिर आप डिटेल वाइज देख सकते हो कि किसका पद है किसका नहीं है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब हम सीधा आगे आते हैं, बात की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे की तरफ आते हैं तो देखिएगा ये सारी बातें हैं जो विज्ञप्ति में लिखी हुई है, ये सारी काम की बातें हैं वो हमें देखनी है। देखो आगे बढ़ते हैं हम आयु की तरफ, अगर हम बात करें किसकी तरफ, आयु की तरफ, तो आयु की बात करें तो 1/7/2024 को, 1/7/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसके बाद यहां पे कैटेगरी वाइज जो भी छूट मिलती है वो सब है यहां पर हम मेन बात करें तो 21 से 40 तो है ही सही, बाकी छूट के बाद भी चीजें आगे तक हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम सीधा दिनांक की तरफ बात करते हैं। देखो परीक्षा की बात करें हम, किसकी परीक्षा की, हमने केवल वही बातें यहां से उठाई है विज्ञप्ति से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है जानना, ठीक है, सभी के लिए। देखो परीक्षा का स्थान और माह की बात करें तो परीक्षा स्थान तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा, मतलब यहां पे परीक्षा के दिनांक के बारे में नहीं बताया गया कि कब होगी परीक्षा, ठीक है। फिर आगे बात करें परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोजित की जाएगी, ठीक है, सारी चीजें अभी यहां पे लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, पाठ्यक्रम वेबसाइट पे प्रत्यक्ष से दिया जाएगा। फिर भी विज्ञप्ति के साथ भी कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी इसमें। देखो मेन तारीख है आवेदन तिथि आप लोगों के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में सबसे मेन बात यही होती है कि आवेदन तिथि कब है। तो देखो बात करें हम 31/1/2024 से स्टार्ट है, यहां क्या लिख रहा है 31/1/2024 से, ठीक है, और ये दूसरे महीने मतलब फरवरी तक चलने वाली है ना, 28 लिखी हुई है, तो ध्यान रखना ये भी हमारे लास्ट 12 बजे तक जो भी है वो दिखाया गया है आपको, तो ध्यान रखना शुरुआत कब से है, 31 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, फोरम की जो डेट है ये स्टार्ट है। उसके बाद आगे की तरफ हम बात करें, आगे तो चलो आगे तो सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। आप सभी को पता है टीचर्स का जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है यहाँ पे दो पेपर आपको देने पड़ते हैं, दो पेपर आपके होते हैं साथियों, कितने पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं आप सभी को पता है, ठीक है। एक पेपर आपका जीके वाला होता है जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट आते हैं, मैथ रीजनिंग जीके वगैरह सब कुछ, ठीक है, और एक आपका सब्जेक्ट का होता है। तो हम आगे की तरफ देखें तो सुनिएगा, देखो एक पेपर तो आपका है जो यहाँ पे मार्क्स वगैरह डिवाइड कर रखे हैं, जो कि आपको सभी को पता है कि इससे पहले वाली जो भर्ती हुई थी उनमें भी यही सब चीजें थी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री वगैरह के मिला के यहाँ पे 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स वगैरह ये सब मिला के, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सबके क्वेश्चन मिला के 20-40 मार्क्स, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स,
ठीक है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर तो एक तरीके से। उसके बाद और भी चीजें हैं फर्स्ट पेपर में, जैसे कि आपको सभी को पता है एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो ऑफ राजस्थान, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 15 क्वेश्चन है इसका 30 नंबर के। तो इस तरह के 150 प्रश्न आपके यहाँ होते हैं। अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें तो ये सेकंड पोर्शन आपका सब्जेक्ट वाइज होता है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। वो तो आप सभी जानते होंगे, भली बात, ये सारी बातें आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो हमें मेन मेन बातें क्या जानी उसके बारे में खास ध्यान रखना है। आपके फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत विभाग की भर्ती आई है, पहली बात। तो दूसरी बात, मैंने दिनांक बता दी कब से स्टार्ट है फॉरम, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप उम्मीदवार, अगर आपने जैसे कि एमए वगैरह कर रखी है और बीएड कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो सीधा सा गणित। इसके अंदर आप सब जानते हो कि किस कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।